एक बुजुर्ग गुजरे शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद, फरमाते मेरी 19 साल उम्र थी, मैं नेशापुर में पढ़ा करता था। मेरे अंदर इल्म का बड़ा जौक था। एक उस्ताद के पास जब मैं पढ़ने गया तो मेरे उस्ताद मुझे फरमाने लगे कि बेटे तेरा जर्फ बड़ा है और मेरा इल्म छोटा है, तू किसी बड़े आलिम के पास जा। अपने उस्ताद से कहा कहाँ जाऊँ, तो कहने लगे अगर हो सके ना तो बगदाद शरीफ चला जा, इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में हाजिरी दी। वो हदीस के हाफिज हैं, आज भी आप उनकी मुस्नद इमाम अहमद देखें, जो हदीस का तालिबे इल्म होता है उसे मज़ा आ जाता है पढ़ने पर। क्या बात है इमाम अहमद बिन हम्बल की, उन्होंने अल्लाह ने एजाज़ दिया कि आज भी मक्के और मदीने में इमाम अहमद बिन हम्बल के मज़हब पर फतवा दिया जाता है, वहाँ के लोग हम्बली कहलाते, इतनी अल्लाह ने उन्हें शान अता फरमाई। कहते हैं मैं निशापुर से निकला जब तो बहरी रस्ते के लिए मैं आने लगा यहाँ। जब जहाज में बैठा ना तो रस्ते में तूफान आ गया, तूफान इस तेजी के साथ आया और इतने दिन जारी रहा कि हमारे जहाज की सिमत ही बदल गई, डायरेक्शन ही बदल गई। वह जाना इधर था तो जहाज का मुंह इधर हो गया। फरमाते हैं जाके किसी किनारे हम उतरे, ये देखें जो लोग तालिब इलम जाते थे, फरमाते हैं वहां जाके उतरे, वहां पता चला कि जिस जजीरे पे हम उतरे हैं यहां से अगर पैदल जाएंगे तो 1.25 महीने में बगदाद पहुंचेंगे। और फरमाते हैं कि पैसे भी कोई नहीं, खत्म हो गए। अब मैं वहां से उतरा, पत्ते खाता, 1.25 महीना लगा और मैं बगदाद शरीफ पहुंचा। और जब पूरी जद्दोजहद करके वहां पहुंच गया ना तो पता चला कि इमाम अहमद बिन हम्बल का तो मदरसा ही बंद हो गया, उनके तो जुमा पढ़ाने पे पाबंदी लग गई है। वक्त का बादशाह नाराज हो गया, इसका मतलब है वो भी सियासी बातें करते होंगे, नाराज हो गया, उसने पकड़ के आपको जेल में डाल दिया। तो इमाम साहब तो पढ़ाते ही नहीं। फरमाते मैं अब तलाश करने लगा कि मुझे पता चले इमाम साहब कहाँ कैद हैं। बताया गया कि उनको उनके घर को जेल, सब जेल करार दे के नजर बंद कर दिया गया और घर के चारों कोने में पुलिस खड़ी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो शागिर्द शाह बकीउद्दीन साहब फरमाते हैं कि मैं जब वहां पहुंच गया, वहां पहुंच करके मैंने लोगों से कहा कि तुम ना करीब ना जाना, बस मुझे बता देना कि इमाम साहब का घर कहाँ है। तो कहते हैं एक शख्स ने मुझे कहा कि मैं उंगली का इशारा नहीं करूंगा, आंख का इशारा करूंगा, क्योंकि हालात बड़े खराब हैं। कहते हैं उसने आंख के इशारे से बताया कि वो सामना गेट इमाम साहब का है। कहते हैं मैं वापस आ गया। अब सारी रात सोचता रहा कि इमाम साहब के घर तालीम हासिल करने कैसे जाना है। फरमाते हैं फिर मुझे एक तजवीज समझ में आई। सुबह जब मैंने उठा तो मैंने सर से पगड़ी उतारी, अपने बालों में हाथ डाल के बाल बखेर दिए, चारों जानब बिखर गए, जुल्फे रखी हुई थी। फरमाते हैं फिर मैंने अपनी कमीज को थोड़ा सा एक जगह से फाड़ा, थोड़ा सा दूसरी जगह से फाड़ा, टखनों के करीब करके कहते हैं मैंने जाके थोड़ी सी तहमत को भी फाड़ा, हाथ के अंदर मैंने कासा पकड़ा जैसे फकीर मांगने वाले पकड़ते हैं। अब तो फकीर कहता ना अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, तो उस जमाने में कहते थे आज रुकम अल्लाह, आज रुकम अल्लाह, तुम्हें अल्लाह अजर दे, तुम्हें अल्लाह। कहते हैं ये वजीफा मैंने अच्छी तरह पकाया, नजरें मैंने झुका ली, फटे पुराने कपड़े पहन के ना तो बगदाद की गलियों में, बगदाद की गलियों में तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। कहते हैं बगदाद की गलियों में कभी इधर कभी उधर मैं ना वो लिए ना कासा मैं घूम रहा हूं फिर रहा हूं, तेनू लभ दिया आप गवाचे। कहते मैं ढूंढता फिर रहा हूं मजनू बन के विच बाजारा, कदी कखा वांग रुलाए, कदी कहाया कुंभा सारा सिर नेजे उत्ते चढ़ाए, आजम यार मनाउन दी खातर असा की पेश वटाए। फरमाते हैं कि वो कासा लिए तो मैं निकला, सिपाही खड़े थे उनसे भी मैंने कहा जुरुकुम अल्लाह। कहते एक एक दिनार उन्होंने भी मेरे कासे में डाला। तेरी माँ मोहम्मद बिन अम्बल का दरवाजा आया तो मैंने दरवाजे पे खड़े होकर अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कहते मेरा जोश ही बदल गया। इमाम साहब ने झट से दरवाजा खोला, खूबसूरत इमामा और खूबसूरत चेहरा। कहते हैं उनका चेहरा देखा तो मेरे आंसू ही बह गए। और इमाम साहब ने जब एक दिनार मेरे प्याले में डाला तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा बगदाद के बादशाह, ओ मेरे महबूब के इल्म के वारिस, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं तो रसूलुल्लाह की हदीस सुनने आया हूं, मुझे ना आपने खैरात नहीं देनी, बस मुझे एक हदीस मेरे नबी पाक रोज पढ़ा दिया करें, एक हदीस, एक हदीस। यहां तो हर जुमे पढ़ाई जाती है ना, वक्त नहीं होता, लोग देर से आते। कहा एक हदीस आपने पढ़ानी है। शाह बकीउद्दीन साहब कहते हैं इमाम साहब ने मेरा चेहरा देखा तो खुशी से खेल उठे, फरमाने लगे तू कैसे आएगा का हुजूर भिखारी बन के।
میں خیرات مانگنے آؤں گا، یہ بھی تو خیرات ہی ہے نا، مصطفیٰ کریم کے نام کی خیرات مانگنا۔ حضور آپ نے ایک حدیث پڑھانی ہے، سنیں۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں پورا سال بھکاری بن کے جاتا رہا، یہ جذبہ یہ شوق، پورا سال بھیک مانگنے کی غرض۔ یہاں تو ہمیں اپنے علماء میں کمزوریاں نظر آنے لگ جائے گا، تو سب ٹھیک ہے جی، وہ ایک بات نہیں ٹھیک، لہذا چھٹی، میں اب خود بہت بڑا محدث ہوں، مجھے کیا ضرورت، یہ کمزوری ہے۔ اس لیے اخلاقی رویے لوگوں کے مضبوط نہیں رہتے، اس لیے دنیا داری کی ساری باتیں آتی ہیں پر دین نہیں آتا، کیونکہ ہمارا وہ شوق نہیں، وہ انداز نہیں۔ ہم کون بھکاری بننے کو تیار ہے؟ جب لوگ کاسا پکڑتے تھے تو پھر رسول اللہ کے دین کی خیرات بھی اس میں آیا کرتی، اب کوئی کاسا ہی نہیں پکڑتا تو خیرات کیسے آتی؟ یہ تو لوگ بحث کرنے آتے، گفتگو کرنے آتے، لینے کون آتا؟ حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں پورا سال جاتا رہا۔ امام احمد بن حنبل مجھے فرماتے یار میں بھی سوچتا تھا کہ کہیں میرے علم کو زانگی نہ لگ جائے، دیکھو اللہ نے فضل کیا ہے، مجھے ایک طالب علم عطا فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں پورا سال میں جب ان کے دروازے پہ جاتا تو ایک دھیلا بھی ڈال دیتے اور مصطفیٰ کی ایک حدیث بھی سنا دیتے، اور فرماتے ہیں دنیا ساری پڑھتی ہے پر ہمارے پڑھنے کا استاد انداز یہ تھا کہ استاد پہلے امامہ باندھتے، جبہ پہنتے، اور اس قید میں نظر بندی کے عالم میں جب وہ نبی پاک کی حدیثیں سناتے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی، وہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے حدیث سناتے، اور میں بھی اسی درد سے وہ بات وصول کرتا۔ فرماتے ہیں سال گزر گیا، حکمران مر گیا، فوت ہو گیا، نیا بادشاہ آیا، اس نے خود امام احمد بن حنبل کو بڑا مدرسہ بنا کے دیا، اس نے بڑی جامع مسجد میں امام صاحب کے خطبہ جمعہ کا بندوبست کیا۔ فرماتے ہیں ہزاروں طالب علم کئی ملکوں سے امام صاحب کے دروازے پر آ کے بیٹھنے لگے۔ فرماتے ہیں جب میں بھی پہنچا نا تو امام فرمانے لگے تو ذرا آگے آ جا، کہتے میں آگے آیا تو فرمانے لگے بھی علم تمہیں بھی دیتا ہوں، تمہیں بھی پڑھاؤں گا، مرتے دم تک پڑھاؤں گا، پر جو میرے